हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का हमारा डिस्कशन है जो MCC का अभी एक नया नोटिस आया था, उसमें लिखा था कि जो MCC का रजिस्ट्रेशन है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर सबसे ज़्यादा डाउट मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या सबको वापस चॉइस फिलिंग करनी है? मीन्स कि अगर आपकी चॉइस फिलिंग पहले भी सही थी, क्या आपको भी करनी है? तो गाइज, इसी चीज़ का हम जवाब देंगे इस पूरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस था ये MCC का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग है वो आप सभी के लिए ओपन है। और बात करें जहाँ तक सेकेंड पॉइंट की, तो उस पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर आपकी जो पिछली चॉइसेस थी और वो अगर सही थी तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आपकी जो पहले की चॉइसेस थी वो आगे भी रहेंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर थर्ड पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनने थोड़ी मिस्टेक कर दी चॉइस फिलिंग में, मतलब किसी कॉलेज लेस प्रेफरेंस वाले कॉलेज को ऊपर रख दिया था या मोर प्रेफरेंस वाले को नीचे रख दिया था, तो वो लोग अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो फिर से एडिट कर सकते हैं। और फ्रेंड, जहाँ तक बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था ऑल इंडिया राउंड वन में, है ना, पहले, तो वो आप फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, जहाँ तक बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है रीसेट फैसिलिटी। मीन्स कि अगर इस बार आपने कोई चॉइस फिलिंग में गलती कर दी तो आप उसे फिर से एडिट कर सकते हैं रीसेट ऑप्शन से। और ये रीसेट ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा 30 तारीख को, है ना। तो फ्रेंड, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। तो आप इसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।